दिल का दरवाजा खुलता है खाने की खुशबू से, हर जुबां पहचानती है सच्चा जायका। कतरे कतरे में ऐसा स्वाद जिसे सालों से पहचानते हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी वही बेजोड़ स्वाद। स्वाद में बेस्ट मसाले सर्वश्रेष्ठ, अलशेप्स मसाले, अलशेप्स। नवी मुंबई के कामोठे में एमआईएम पार्टी के विद्यार्थी सेना का प्रथम वर्धापन दिवस समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील मुख्य अतिथि के रूप आए थे, जिसमें जलील ने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा और आरएसएस बजरंग दल देश में हिंदू और मुस्लिम जैसे धार्मिक मुद्दे बनाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की बात कही। वही इस समारोह में एमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान, शहनवाज हुसैन, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुणाल खरात सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। काल केलं होतं त्यांनी, मी दिलेली आहे प्रतिक्रिया। म्हणजे अतुल भातखळकर साहेबांनी सांगितलं की मदरसे बंद करायला पाहिजे। आता एका वर्षामध्ये असं का झालेलं आहे की त्यांना असं वाटतं की मदरसे बंद करायला पाहिजे? 2014 ते 2019 तुमची सरकार होती, तर त्यावेळी ते मदरसे खूप चांगले होते, मदरसामध्ये शिकणारे जे मुख्य मुले होते त्यांच्या बाबतीत काही विरोध नाही होता। अचानक असं काय झालेलं आहे की एका वर्षामध्ये तुम्हाला असं वाटतं? पण कशाला ट्विक कशाला करायचं? आपली सरकार आहे ना, केंद्रामध्ये आपली सरकार आहे, त्यांना पत्र द्या आणि मोदी साहेबांना सांगा की परिपत्रक काढून बंद करा। फक्त आता काय आहे की लोकांना सगळे इश्यूज कळू लागलेले आहे, लोगों को ये बात समझ में आ रही है। जब हम उनको ये बता रहे हैं कि हमारे नौजवान आज बेरोजगार है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही, तो कहते हैं मंदिर की बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि जो काम पे जाते थे उन्हें नौकरियों से निकाला गया है, तो कहेंगे मदर से बंद कर दो। हम महंगाई के बारे में बात करेंगे, हम इस कोरोना के पीरियड के अंदर जो दिक्कतों का सामना लोगों को हुआ है उसके बारे में बात करेंगे, तो हिंदू मुसलमानों के बारे में बात करें। ये कब तक चलता रहेगा? इस देश के अंदर हमें बड़ा अफसोस होता है कि आप अहम मुद्दों के ऊपर बात नहीं करते। देखिए, कोई एक आमदार 288 में से कोई एक आमदार खड़े हो जाता है और इस तरह बयान दे देता है और पूरा देश उसी के ऊपर चर्चा करता है। मुझे तो खुशी इस बात की है कि हमारे स्टूडेंट विंग कुछ अच्छे मुद्दों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अब ये वक्त गया है और ये जो भटकर साहब ने जो किया है वो गलतफहमी में जी रहे हैं कि जनता जो है वो बहुत बेवकूफ है, हम कुछ भी बोलेंगे। अब जनता भी बहुत होशियार हो चुकी है, आपके बोलने का मकसद क्या होता है, आप क्यों बोल रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि कोई एक आमदार एक दिन खड़ा हो जाता है, एक ट्वीट कर देता है, ये पूरे स्ट्रैटेजी के तहत ये पूरा खेल खेला जा रहा है देश के अंदर। वरना आप सोचिएगा कि जिस 2-3 महीनों के अंदर जब देश के अंदर इतनी गंभीर समस्याएं थी, लोगों के खाने पीने का मसला था, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, लोगों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था, तो मीडिया किस बारे में चर्चा कर रही थी कि सुशांत सिंह कैसे मरा, वो ड्रग्स कहां से आ रहे थे। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मीडिया अपने लेवल के ऊपर, ये एक आरएसएस और भाजपा की एक स्ट्रेटजी के तहत ये पूरा खेल खेला जा रहा है कि हम एक सवाल करेंगे, वो मीडिया ने उसको उठाना, हम अहम मुद्दों के बारे में बात करेंगे, तो फिर आप वही मंदिर मस्जिद मदरसा स्टूडेंट्स। मैं तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के बजरंग दल के जितने भी लोगों को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि एक बार हमारे साथ चलिए किसी मदरसे के अंदर और जाकर देखिएगा कि वहां पर क्या सिखाया जाता है। एक अच्छा इंसान बनने की तालीम दी जाती है वहां पर, लेकिन बाहर से बैठकर बस यही बताना कि ये मदरसे बंद कर डालो। देखिए, ये वो पार्टी है
कि जिसने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर और मैंने विधानसभा के अंदर ये मांग की थी कि 700 करोड़ रुपए जो मुसलमानों को हर साल सरकार किसी की भी हो हर साल 700 करोड़ रुपए हज की सब्सिडी के नाम पे दिए जाते थे, तो हमने कहा था ये हमको नहीं चाहिए, ये बंद कर दीजिएगा और इन्हीं पैसों से आप मुस्लिम बच्चों के लिए स्कूल्स खोलिए, कॉलेजेस खोलिए, हॉस्टल्स खोलिए। लेकिन सरकार का ऐसा था कि उनको जितना सुनना था उतना सुने, हज की सब्सिडी बंद कर दिए। अब हमने कहा कि स्कूल बना दो, एक तो वो स्कूल नहीं बना रहे। तो हमारी तो यही बात है कि आप बनाइए, अच्छे अच्छे स्कूल्स बनाइएगा और आप लोगों से अपील करेंगे कि ना तो ऐसे नेताओं को बहुत ज्यादा अहमियत दीजिएगा और ना ऐसी बकवास मुद्दों को ऊपर ज्यादा महत्व दीजिए। पहला कोकण के इस महापुरुषों की जो जिला है जिसमें बड़े बड़े महापुरुष जो यहाँ शिवाजी महाराज, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की भूमि पे हमारे इस स्टूडेंट का पहला वर्धापन दिन आज यहाँ हुआ, मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ। और इस वर्धापन दिन के तौर पे हमारे रायगढ़ की कामोटी की ज़मीन चुनी गई जिसमें हमने स्टूडेंट विंग ने पूरे 3 महीने इस कामोटे पुलिस स्टेशन के और यहाँ के इस तरफ के लोगों को पूरे 3 महीना खाने का अनाज का बंदोबस्त किया हुआ था। तो मैं बहुत अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ और आने वाले कल में जो आज हमारे मेहमान इधर मौजूद हुए, हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब, माजी आमदार वारिस पठान साहब, इनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले कल में इस रायगढ़ पूरे कोकण डिवीज़न के अंदर और नवी मुंबई के अंदर स्टूडेंट विंग के एक भी ऐसे कॉलेज नहीं रहेंगे जहाँ स्टूडेंट विंग मजबूत से मजबूत होती जाएंगी और स्टूडेंट के हित के लिए, उनके फ़ीस के लिए, उनके राइट टू एजुकेशन के लिए, उनकी फ़ीस का मसला हो, जो भी मसला रहेगा स्टूडेंट इस पर काम करेंगी। और आज मुझे इस पहले वर्धापन दिन के मौके पर आज मुझे पूरे महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी महासचिव बनाया गया है, इसके लिए भी मैं एम स्टूडेंट की विंग की तरफ से और इम्तियाज़ जलील साहब को बहुत बहुत जो भी बड़े बड़े जो वो चल रहे वो स्टूडेंट ही कर रहे हैं। आज आप कन्हैया कुमार को देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये आज स्टूडेंट जो है स्टूडेंट यूनियन से ही एक लीडरशिप उभर के आ रही है। तो हम इंसान इम्तियाज़ जलील साहब का सोचना है कि महाराष्ट्र के अंदर स्टूडेंट यूनियन खास करके एमएम की जितनी स्ट्रांग होंगी हर जिले में, तो उसका आने वाले कल में हमारी पार्टी को उसका बहुत फायदा होगा। दिल का दरवाजा खुलता है खाने की खुशबू से, हर जुबान पहचानती है सच्चा जायका, कतरे कतरे में ऐसा स्वाद जिसे सालों से पहचानते हैं आप, पीढ़ी दर पीढ़ी वही बेजोड़ स्वाद, स्वाद में बेस्ट मसाले सर्वश्रेष्ठ, अल शेप्स मसाले, अल शेप्स।